हेलो दोस्तों, ये हमारे पास HP 419 का प्रिंटर है। तो इसमें प्रॉब्लम है E1 का। तो E1 का प्रॉब्लम जो आता है दोस्तों, तो सबसे पहले हमें अपने प्रिंटर को खोल लेना है, सारे स्क्रू को। यहाँ पर दो स्क्रू होंगे, यहाँ पर एक स्क्रू, यहाँ पर एक स्क्रू, इसे ओपन कर लेना है। और फिर यहाँ पर दो स्क्रू है, इसे भी हमें ओपन कर लेना है। सबसे पहले हमें अपने प्रिंटर को ऑफ़ कर लेना है। प्रिंटर ऑफ होने के बाद में इसे एक केबल को निकाल लेना है हमें। अब यहाँ से स्क्रू निकालने के बाद में हमें पीछे से जस्ट थोड़ा सा ऊपर को उठाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा दो वायर लगा हुआ है, वायर को बहुत ही आराम से हमें निकाल लेना है। तो ये हमारा प्रिंटर ओपन हो चुका है। तो हमें यहाँ पर करना क्या है, हमारा ये पेपर सेंसर है, पेपर सेंसर को हमें साफ़ करना है। साफ़ करना है जनरली ये प्रॉब्लम दोस्तों। तो प्रिंटर ओपन करने के बाद में हमारा ये पेपर सेंसर है, पेपर सेंसर को हमें साफ़ करना होगा। जनरली ये प्रॉब्लम पेपर सेंसर के ऊपर में धूल लग जाने से होता है। तो पेपर सेंसर को सबसे पहले साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद भी अगर ये प्रॉब्लम रहता है तो हमें दोस्तों पेपर सेंसर को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसे हमें साफ़ करने के बाद में फिर से हमें इसे लगा लेना है। तो हमने इसे लगा लिया है। लगाने के बाद हम फिर से इसे ऑन करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा E1 का जो एरर था वो जा चुका है। अब आप अपने तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा E1 का जो एरर था वो जा चुका है।